बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट इम्पैक्ट। प्रीवियसली वी हैव लर्न अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एंड रिलेटेड क्वेश्चन वी हैव सॉल्वड। नाउ वी हैव टू सॉल्व अबाउट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट अकर because when two body collide with each other during a very short period of time, causing relatively large impulsive force to be exerted between the bodies. Impact उस वक्त होता है जब एक तो ये कि बड़ी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जब दो बॉडी आपस में क्लाइड करती हैं तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो बहुत बड़ी एक लार्ज मैग्नीट्यूड की इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करती है बॉडीज के दरमियान। द स्ट्राइकिंग ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, आप जैसे कील ठोंकते हैं या गल्फ क्लब में आप जाना बॉल को हिट करते हैं, तो दीज आर दी, इसी तरह रैकेट शटल और इस तरह की जो है बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, ये सारे इम्पैक्ट की एग्जांपल्स हैं इम्पैक्ट लोडिंग की। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट। सेंट्रल एक होता है, ठीक है, जिस पर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है, जैसे ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये दो बॉडी आपस में अप्रोच कर रही हैं, तो ये यहाँ आपस में इस जगह इम्पैक्ट हो रहा है इनका। तो ये जो बॉडीज हैं इनकी जो मैस है, मैस सेंटर, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जो परपेंडिकुलर प्लेन होगी उसको प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। इस पॉइंट पे ये प्लेन ऑफ, इस केस में, अच्छा चलो आगे डिस्कस करते हैं। सेंट्रल इम्पैक्ट अकर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैस सेंटर ऑफ टू ग्लाइडिंग, मैस सेंटर की बात हो रही है, of two colliding particle is along a line passing through the mass center of particle. This line is called the line of impact, जैसे मैंने बताया line of impact कहलाएगी, which is perpendicular to the plane of contact. When the motion of one or both of the particles make an angle with the line of impact, the impact is said, अगर ये किसी angle पे हो तो उसको oblique impact कहते हैं। एक central impact है जब mass center एक ही line में lie कर रहे हो, और एक ये है कि जिस वक्त जो velocities हैं, मोशन ऑफ वेलोसिटीज जो है या मोशन जो है पार्टिकल्स की, वो एंगल बनाए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ, यानी मास सेंटर के को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ अगर वेलोसिटीज कोई एंगल बनाए, जैसे वेलोसिटी वी ए और वी बी एंगल थीटा एंड साई बना रही हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसको हम कहेंगे ओब्लिक इम्पैक्ट। सेंट्रल इम्पैक्ट की बात की जाए, to illustrate the method for analyzing the mechanics of impact, consider the case involving central impact of two particles A and B. ये दो पार्टिकल A and B in figure 15.14, जो कि ये है 15.14 A B C D E तक है ये. The particles have the initial momentum shown in figure 14.14 A provided. जिस वक्त इसकी velocity ज़्यादा हो, इसकी कम हो, तो क्या होगा? Impact होगा. बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है, कुलयन विल इवेंचुअली अकर, इम्पैक्ट होगा, कुलयन होगा। ड्यूरिंग द कुलयन द पार्टिकल मस्ट थॉट एज अ डिफॉर्मेबल और नॉन रिजिड, तो हम बॉडी को क्या समझते हैं, डिफॉर्मेबल या नॉन रिजिड। द पार्टिकल विल अंडरगो अ पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, फिर क्या होगा, एक पीरियड, एक टाइम होगा जिसके लिए वो आपस में कुलयन में रहेंगे, उसको टाइम को हम कहेंगे पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। सच दैट दे एग्जर्ट एन इक्वल बट अपोजिट डिफॉर्मेशन इम्पल्स, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी, इम्पल्स की जो होती है फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, तो वो है, लेकिन यहाँ हम पी उसका नाम दे रहे हैं। जिस वक्त वो टकराने के बाद आएगा उसको हम आर देंगे, रेस्टिट्यूशन। तो अभी ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उस वक्त हमने इसको इंपल्स का नाम दिया है, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी ऑन ईच अदर। ओनली एंड एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ पार्टिकल विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी उसके बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी हमें नॉर्मली नहीं पता होती, इसको हम सिर्फ वी नाम देंगे। बाकी जो वेलोसिटीज हैं उसको वी ए वन, वी ए टू, मतलब पहले जो है वो वन है, आफ्टर जो है वो टू है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं टू, और जो
जिसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हुई उस वक्त जो वेलोसिटी है उसको हम जस्ट वी नाम देते हैं। आफ्टर वर्ड ए पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकर इन विच केस द पार्टिकल्स विल आइदर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप और रिमेन परमानेंटली रिफॉर्म्ड। तो क्या होता है, पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये गुजरने के बाद फिर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं विल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप। वो अगर हम सपोज कर रहे हैं, आइडियल बात कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, वो इलास्टिक होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या फिर वो ओरिजिनल शेप रिटेन कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे और रिमेन परमानेंटली डिफॉर्म, या फिर ये डिफॉर्म ही रहेंगे। द इक्वल बट अपोजिट रेस्टोरेशन इम्पल्सिव इंटीग्रल ऑफ आर डी टी, अब जो फोर्स है उसको आर नाम दिया गया है, पर पुशेस द पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम अनदर, टकराने के बाद वो एक दूसरे को एक दूर करेगी, ये रेस्टोरेशन इम्पल्स जो है वो। इन रियलिटी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टू बॉडीज आर सच दैट द डिफॉर्मेशन इम्पल्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। जो शुरू वाला होता है, डिफॉर्म वाला होता है इम्पल्स, वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्टिट्यूशन इम्पल्स। और उसकी वजह ये होती है कि आपकी बहुत सी एनर्जी लॉस कर जाती है साउंडस में और डिफॉर्मेशन, लोकलाइज डिफॉर्मेशन में और फ्रिक्शन वगैरह में। इस वजह से इन रियलिटी की अगर बात की जाए तो रेस्टिट्यूशन छोटा होगा, डिफॉर्मेशन बड़ा होगा। In reality, the physical property of any two bodies are such that the deformation impulse will always be greater than that of restitution. Yani integral of PDT will always greater than integral of RDT. Just after the separation होने के बाद the particle will have final momenta. उनका जो final momenta होगा वो उनका इस तरह होगा, और जहाँ ये वाली वेलोसिटी अब बढ़ जाएगी। शुरू में वी बी कम थी, लेकिन अब टकराने के बाद ए ने भी अपनी वेलोसिटी उसको एक तरह से दे दी है, तो वी ए टू छोटा हो जाएगा वी बी टू से। इन मोस्ट प्रॉब्लम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी नॉन, इनिशियल हमें पता होती हैं, एंड विल बी नेसेसरी टू डिटरमिन द फाइनल वेलोसिटीज वी ए टू वी ए वी बी टू, ये हमें नहीं पता होती, हमने डिटरमिन करनी होती हैं। In this regard, momentum of system particle is conserved, since during collision internal impulse of deformation and restitution cancel. यानी जो भी हुआ है वो इंटरनली हुआ है, तो अगर आप पूरा दोनों बॉडीज का एक सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं, तो वो कंजर्व है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आई, कोई मोमेंटम नहीं आया, कोई उसकी, तो इस वजह से आप इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। हैंस रेफरिंग टू फिगर दिस, ये जो पहली वाली थी और जो फिगर आखिरी वाली है, उन दोनों पे आप लगाएं। मैं फिगर वैसे दिखा भी देता हूँ आपको। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं इस फिगर पे और इस फिगर पे, तो आपके पास सिंपल क्या आएगा, ये प्लस ये इक्वल होगा ये प्लस ये, ये मोमेंटम है, उनको प्लस किया है। तो सिंपली एम ए वी ए वन प्लस एम बी वी बी वन इज इक्वल टू एम ए वी ए टू प्लस एम बी वी बी टू इन ऑर्डर टू, और ये है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी इसने शो की है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सेकंड इक्वेशन नेसेसरी टू सॉल्व फॉर वी ए टू एंड वी बी टू, वो मस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने लगाया है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक तो हमने ये अप्लाई किया है, यहां हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम ईच पार्टिकल पे। यानी पार्टिकल, सबसे पहले हम लेते हैं पार्टिकल ए, तो यहां मैं लिख लेता हूँ फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए के लिए हम करेंगे, और सिमिलरली करके हम पार्टिकल बी का भी कर लेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि आप ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 10 कहां से आई, 15, 10, ये आई है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और ये वाली जो अब आगे हम करने लगे ये किससे कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। तो पार्टिकल ए पे, यानी फिर अब कौन सी फिगर लेते हैं, पार्टिकल ए वाली, सॉरी जी,
हम फिगर ले रहे हैं, फिगर ए बी और सी, जहां जहां ये है। जब ये लेते हैं तो फिर हमारे पास, और प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं पार्टिकल ए पे कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, एम ए पी ए वन माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी टी इज इक्वल टू एम ए वी, और रेस्टिट्यूशन ये है जिसको अप्रोच कर रहे हैं। और जब रेस्टिट्यूशन फेज आती है उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा एम ए वी माइनस इंटीग्रल ऑफ आर डी टी इज इक्वल टू एम ए वी ए टू। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिकली यानी प्लस होता था एम ए प्लस इंटर समिशन ऑफ इंपल्सिस इज इक्वल टू एम ए वी टू, ये होना चाहिए था। तो बेसिकली इसमें ना थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ है जो अपने फ्री बॉडी डायग्राम में लाजमी पड़ी होगी, वो ये कि जिसको ये हम बॉडी ए ले रहे हैं ना, पार्टिकल ए ले रहे हैं, पार्टिकल ए पे जो ये अगर ए है, दिस इज ए, इस पे जो इम्पल्स एक्ट कर रहा होगा एक्सटर्नली, मतलब इसके एक्सटर्नल पूरा, अगर इन दोनों को लें फिर तो सिस्टम के एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं एक्ट कर रहा, लेकिन सिर्फ पार्टिकल ए लें तो पार्टिकल बी जो ए पे इम्पल्स एक्ट करेगा वो ये है माइनस हाफ, ये डायरेक्शन की वजह से माइनस है। तो आप अगर डायरेक्शन शो करें चाहे इसको यहाँ प्लस भी कर दें, राइट। तो जिस वक्त आप इस इक्वेशन में ये लिखेंगे, यानी इस पे जो एक्ट कर रहा है वो बेसिकली ये कर रहा है, ये एरो खुद ही डायरेक्शन बता रहा है। तो जिस वक्त आप ये अप्लाई करते हैं, जिस वक्त आप ये अप्लाई करते हैं तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी। इसी तरह आप लेकिन ये था कौन सी फेज थी, आप अप्रोच की, जिसको एक दूसरे के करीब आते हैं। और जब रिस्ट्रिक्शन की फेज आएगी यहाँ, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त पार्टिकल ए पे जो एक्ट कर रहा होगा वो ये होगा एम ए बी। अब जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इस शुरू में इसकी वेलोसिटी थी वी ए वन, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी ए टू हो जाएगी। और वो जब ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं, अभी सेपरेशन नहीं हुई, उस वक्त इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी वी, जो कि हमें नहीं पता होती, जो कि तो एम ए वी माइनस इंटीग्रल ऑफ आर डी टी इज इक्वल टू एम ए वी ए टू। अच्छा अब इस डायग्राम की अगर बात की जाए, इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी वी है, तो वो वाली इक्वेशन बन जाएगी जो शुरू में है एम ए वी, अगेन उसके क्योंकि दूसरा एक्ट कर रहा है इस पे, तो वही स्टोरी जो यहाँ थी, माइनस इंटीग्रल ऑफ आर डी टी इम्पल्स आ जाएगा इज इक्वल टू एम ए वी ए टू, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन में अब हम रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन इम्पल्सिस टू दी डिफॉर्मेशन इम्पल्सिस कॉल्ड कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो है, सॉरी ये मुझसे सही, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ये बेसिकली ई है, ये वाला, ये है क्या, रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन इंपल्स टू द डिफॉर्मेशन इंपल्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब क्योंकि हमें पहली बात कर ली कि जो है रेस्टिट्यूशन ओवर इंपल्स डिफॉर्मेशन इंपल्स है, तो रेस्टिट्यूशन की अगर बात की जाए वो हमेशा कम होता है इससे, इसका मतलब ई जो है वो हमेशा या फिर वन होगा या वन से लेस होगा, तो उसकी वैल्यू जीरो से वन के दरमियान होती है। कभी कभी ये ऐसे भी आप कर देते हैं अगर इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक अगर आप ले रहे हैं तब। चलो बहरहाल ये भी एक मैंने यही बता दी ताकि आपको याद रखने में समझे। जरा आगे मूव करते हैं, तो इसमें से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वो बेसिकली आ जाएगी ये यहाँ चला जाएगी यहाँ, तो एम ए कॉमन वी ए वन माइनस वी, वी ए वन माइनस वी नीचे आ जाएगा, तो साथ में एम ए भी है इसके साथ ना, एम ए इसका कॉमन आ गया है। इसी तरह जिस वक्त आप आर ये वाली लगाएंगे तो इसको यहाँ ले जाएं, ये यहाँ चला जाए, तो एम ए कॉमन इंटू वी, और ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा यानी वी ए टू।
इसमें से एम ए एम ए कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से फिर आखिर में आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो यही है जो इसने लिखी हुई है, जो ये बनी हुई है। ये आपका क्या कहलाता है, क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने लैब में भी इससे रेलिवेंट कुछ एक्सपेरिमेंट शायद परफॉर्म किए हों। अच्छा, ये हमने किस पे किया था, पार्टिकल ए पे, पार्टिकल ए पे यही काम हमने करना है, लेकिन अब करना है पार्टिकल बी पे। यही काम ये पार्टिकल ए पे किया था, अब यही करना है पार्टिकल बी पे। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सिमिलरली करके हम यही डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा इस केस में वो आ जाएगा वी बी टू माइनस वी वी माइनस वी बी। इन दोनों को अगर आप वो कर लेते हैं, इन दोनों से आप वी की वैल्यू निकाल लें फिर आप लिखें, तो आखिर में आपके पास जो कोफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन जो आता है वो ये आ जाता है, इज इक्वल टू वी बी टू माइनस वी ए टू और वी ए वन माइनस वी बी वन। ठीक है, यानी आखिर में वी बी टू ज़्यादा हो जाती है, उसमें से आपने ये निकाल देना जो आखिर यानी सेकेंड फेज में वी बी बड़ा था वी ए से, इस वजह से ये आएगा जो बड़ा है वो पहले आएगा, और शुरू में क्या था वी ए बड़ा था तो जो बड़ा था वो पहले आ जाएगा। तो यहां से आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू वी बी टू माइनस वी ए टू और वी ए वन माइनस वी बी वन। अगर आपको ई की वैल्यू गिवन हो तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वी ए टू वी बी टू फाइंड कर सकते हैं। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली एस्प्लिश साइन कन्वेंशन पर डिफाइन। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, राइट साइड पे पॉजिटिव लिया था, वही साइन कन्वेंशन की बात की है, वो आपने लाजमी करना है, उसके फॉलो करना है, उसके रिवर्स में आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ये अभी जो बताया वो कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन था ई, और ये जो है ये इसमें बड़ी बाई मेरी तो आप इसको कह सकते हैं ई इक्वल टू रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्प्रेशन जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अप्रोचिंग। तो सप्रेशन जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और अप्रोच जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, सॉरी सप्रेशन जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट और अप्रोच जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, इनकी रेशो अगर लें तो वो भी कोई ई आएगा। बाय मेजरिंग दिस रिलेटिव वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट ई वेरीज एक्सप्रेशन विद अप्रिशिएबली विद इम्पैक्ट वेलोसिटी, की इम्पैक्ट वेलोसिटी से चेंज करती है, एज वेल एज साइज एंड शेप ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। For these reasons, the coefficient of distribution is reliable only when used with data which closely approximate the condition which were known to exist when measurement of it were made. तो ये एक खास स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट में आप यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जीरो से वन के दरमियान होती है और इसका फिजिकल मीन इनका भी आपको बताना चाहिए। अगर ई वन हो जाए तो इलास्टिक है और ई अगर ई जीरो हो जाए तो प्लास्टिक या इन इलास्टिक इम्पैक्ट हो जाएगा। और वहाँ और क्योंकि आपको अच्छा एक और चीज़, फ्रॉम द अबव डेरिवेशन इट शुड बी एविडेंट दैट प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी कैन नॉट बी यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ इंपैक्ट प्रॉब्लम सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू नो हाउ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन वेरी आर डिस्प्लेस ड्यूरिंग द कोलाइजन। तो आप वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल नहीं लगा सकते क्योंकि आपके उसके अंदर किस तरह फोर्सेज वगैरह एक्ट कर रही हैं और कैसे चेंज आ रहा है वो आप नहीं जानते। बाई नोइंग द पार्टिकल वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन हाउ आर द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलाइजन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी पता हो तो वहां से आप एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं जो कि इक्वल होगा दिस इक्वेशन के, वही जो आपकी वो थी because some of the initial kinetic energy of the particle is transformed into thermal energy as well as creating sound and localized deformation. इस वजह से जनाब ये perfectly elastic नहीं होता, तो क्योंकि last होता है। तो ये तो छोटा सा topic आज का, I think interesting होगा आप लोगों के लिए। अब इससे relevant हम जनाब problem solve कर लेंगे। oblique क्या होता है, जब किसी angle पे हो, जब angle पे होगा तो आपके variable बढ़ जाएंगे, theta 1 और theta 2 भी पता होना चाहिए, या ये कह लेंगे आप दो एक्सिस ले लेंगे x और y, दो एक्सिस जब ले लेंगे तो फिर आपको दो कंपोनेंट चाहिए। तो पहले आपने इम्पल्स एंड मूवमेंट इक्वेशन लगे अप्लाई की थी सिर्फ इसके अलांग x के अलांग, अब आप अपना y के अलांग भी करेंगे तो आपकी जो दो और वेरिएबल बढ़ गए हैं वो भी डिटरमिन हो सकते हैं। इस तरह आप जो है ना इन अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये है ब्लिक इम्पैक्ट से मुतलिक। तो अब हम जरा न्यूमेरिकल पे चलेंगे, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन
1567, there are three balls, each weigh 0.5 pound. So weight is given, mass can be find as. So mass kya hoga? 10/32.2. तो एम ए का भी, बी का भी, सी का भी, सबका सेम है. एम ए, एम बी एंड एम सी. एंड हैव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, ई कितना 0.85. और ई होता क्या है वो हमें पता है, वो हम अप्लाई करेंगे. ए बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड स्ट्राइक बी, यहाँ से रेस्ट से किया जाए और बी तक पहुँचती है. एंड देन बी स्ट्राइक दी बॉल सी, ये बी तक जाती है. A is released from rest and strike B, and then ball B strikes C. Determine the velocity of each after second collision has occurred. तो जिस वो ये यहाँ collide करेगी तो फिर let's suppose शुरू में इसकी velocity V A one है जो कि यहाँ है. तो V A one, V A one. अच्छा यही हम डायग्राम में लेके चल रहे हैं, ठीक है. वी ए वन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब जीरो हो जाएगी. बी को स्ट्राइक करता है, बी की हम फिर फाइंड करेंगे. तो जिस वक्त ये यहां पहुंचेगी उस वक्त ए की वेलोसिटी क्या होगी, वो वी ए टू हो जाएगी. या ये कि आप इसको ना, ये रेस्ट में जो है इसको हम देते हैं वी ए नॉट, क्योंकि वो जीरो पे. और ये जो जब यहाँ पहुंचेगी बॉल ए, लेकिन क्लियन से पहले उस वक्त इसकी वेलोसिटी को वन कहते हैं, यानी यहाँ वेलोसिटी वी ए वन हो जाएगी. इस तरह थोड़ा सा नाम दे देते हैं इसको. सो वी ए वन वो क्या होगी अभी हमें नहीं पता, वो हम निकाल सकते हैं अलबत्ता इस वक्त अभी नहीं पता हमें. अच्छा बी के साथ बी आगे स्ट्राइक करता है इस पे. अच्छा हमने फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड हमने करना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हैज अकर्ड, कोलिजन के बाद वाला वेलोसिटी. वी ए वन कोलिजन से पहले है, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी हमने जो फाइंड, यानी इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड वी ए टू राइट. उस वक्त बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, वी बी टू. कोलिजन से पहले ये क्या है, रेस्ट में है. तो वी ए टू हमने फाइंड करनी है, वी बी. अब कोलिजन से पहले वी ए सॉरी वी बी इसको हम टू कह देते हैं, वो हमें पता है. और वो क्या है, सॉरी कोलिजन से पहले ना वन है, कोलिजन से पहले की बात कर रहे हैं, कोलिजन से पहले वन है. और ये भी रेस्ट में है, ये भी जीरो होगी. वी बी टू अलबत्ता हमने फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, वो वाली हम फिर यहाँ यूटिलाइज करेंगे क्योंकि उससे ये यहाँ स्ट्राइक करेगी. जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगी यानी वी बी टू हम निकालनी है, लेकिन जो फाइंड करना है उसमें उसने कहा है सेकेंड कोलिजन के बाद, उसमें आ जाएगी जब ये इन दोनों का ऑप्शन क्लियर होगा बी और सी का. और उसके बाद बी की वेलोसिटी भी थ्री, बी बी थ्री हो जाएगी और सी की वेलोसिटी भी वी सी थ्री हो जाएगी. यानी यहाँ वन टू, यहाँ टू थ्री ले रहे हैं. तो थ्री वाली स्टेट आफ्टर क्लियर आएगी, यहाँ सिर्फ सिर्फ ए की जो है ना वेलोसिटी जो है ना वो हम फाइंड करेंगे टू पे, वी ए टू. बाकी दोनों की थ्री पे फाइंड करनी है, वी बी थ्री और वी सी थ्री. कैसे पता चला, स्टेटमेंट थ्री, दी बॉल स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है. अच्छा ये जो मैंने अभी ये क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं. ये वाला कहाँ से फाइंड होगा, ये वाला जब यहाँ कोलिजन होगा उसके बाद फाइंड होगी. ये कैसे फाइंड होगी, हाँ ये एक चीज है, ये बेसिकली वेलोसिटी है कोलिजन से पहले ए की. उस पर हम प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि अगर हम ये वाली डॉटेड लाइन ले लें
अगर हम इसको डॉटम लाइन ले लें, डॉटम, और ये वाली जो हाइट बनेगी, ये हाइट, क्योंकि रेडियस कितना है, रेडियस 3 है, तो हाइट भी 3 फीट ही रहेगी, ठीक है। तो ए रेस्ट में है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके थ्रू निकाल सकते हैं, यहाँ जाके आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 जी, ए की बात कर रहे हैं, और जस्ट कोलिजन से पहले इसकी जो इलास्टिक वो फाइंड कर सकते हैं। जब कोलिजन हो रहा है उसके दौरान हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये है उस पर हम लगा सकते हैं। तो हम अब ये इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एट बॉल ए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम निकालते हैं, लेकिन फॉर बॉल ए बिफोर प्लेन, ये जरूरी है। अच्छा जी, क्या आएगा जी, A1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2। T1 काइनेटिक एनर्जी अब इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 0 है। V1 V1 बताएगा वो क्या होता है, लास्ट ये होती है हमारे पास, MgH, यानी वेट इंटू, मतलब इसका वेट इंटू दिस हाइट, और ये आ जाएगी हमारे पास, वेट कितना है 0.5, और 3 इसका क्या है हाइट। V2 कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने डॉटम इस पे लिया है, तो ये वाली जो है ये वाली 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम, एम की जगह क्या आ जाएगा 10/32.2 वी ए टू स्क्वेयर। अच्छा सॉरी, ये हमने इसको वी ए नॉट नाम दिया है, इसको हमने दिया VA1 का स्क्वायर, VA1। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास VA1 की वैल्यू आ जाती है 13.9 फीट पर सेकेंड। अच्छा जी, ये है जस्ट कोलिजन से पहले। अब जब कोलिजन हो रहा है, ये ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे, जब ये कोलाइड करेंगे तो अभी हमने जो पढ़ा है वो वाले अब रूल लग सकते हैं। वो रूल क्या है, हम लिख सकते हैं कोलिजन ऑफ बॉल ए एंड बी, जब ये कोलिजन होता है उसके दौरान हम जी दो चीजें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हमारी थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, एम ए वी ए वन इज इक्वल टू, सॉरी ए वन और टू भी आएगा, सेकंड भी है, सेकंड प्लस एम बी वी बी वन इज इक्वल टू एम ए वी ए टू प्लस एम बी वी बी टू। इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है, बॉल वी रेस्ट में है 0, इसकी क्या है ये हम निकाल चुके हैं अभी, यहाँ यही निकाला है हमने। तो यहाँ से एम की जगह एम की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 10/32.2 वी वन, वी वन आप ये निकाल चुके हैं, ये इसकी वैल्यू पुट कर दें,
ये तो वैसे ही जीरो हो गया। इसमें से Va2 यह भी हमें नहीं पता, Va1 निकालिए, Va2 का नहीं पता, और यही क्वेश्चन में पूछा गया। इसी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, 10/32.2 इंटू Va2 प्लस MvVb2। अच्छा इसमें से अगर आप देखें तो ये कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी Va2 प्लस Vb2 इज इक्वल टू 13.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, एक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कुलियन ए और बी के दरमियान, दूसरी इंफॉर्मेशन इसी कुलियन के दरमियान, इसी कुलियन के दरमियान दूसरा एक तो ये था ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वेशन, दूसरा हम क्या लगाते थे बाय अप्लाइंग क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जब ये अब अप्लाई करते हैं तो यहां से हमारे पास आती है Vb2 माइनस Va माइनस Va2 और Va1 माइनस Vb1। Vb1 कितना है? 0, क्योंकि रेस्ट में थी। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम वहां से निकाल लिख सकते हैं इसको वैल्यू को, हमारे पास वैल्यू है इसकी 0.85, तो यह आ जाएगा 0.85। और यहां से आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, Vb2 हमें अभी नहीं पता तो उसको एज इट पुट कर दें, Vb2 माइनस Va2, Va1 की हमें पता है 13.9 है। तो आपके पास यहां से इक्वेशन आ गई Vb2 माइनस Va2 इज इक्वल टू, इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 13.9 में से 0 जाए तो 13.9 ही आता है, उसको 0.85 से आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास ये आ जाएगी। ये अगर मैंने कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 11.815। इन दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि एक एक इक्वेशन बन गई ना, एक एक इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, एक आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ली थी, दूसरा आपने कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन से ली थी। जब आप ये लेते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये मेरे आपके पास वैल्यू आ रही है Va2 की वैल्यू आ रही है 1.04 फीट पर सेकेंड, और वी बी की 2 की वैल्यू आ रही है 12.86 फीट पर सेकेंड। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर कुलियन बिटवीन कुलियन ऑफ बॉल बी एंड सी, और उस पर भी ये दो हम अप्लाई करेंगे। जगह थोड़ी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिस तरह हमने बाल ए और बी के दरमियान किया, इस तरह बी और सी के दरमियान करेंगे हम अगेन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप अप्लाई करते हैं, एक ये करना है और दूसरा आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई उसकी इक्वेशन अप्लाई करनी है।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये हो जाएगा समेशन ऑफ, यानी बी और सी के दरमियान कर रहे हैं ना, तो जब प्लेन से पहले और प्लेन के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा, प्लेन से पहले भी अगेन एम बी वी बी टू है ये वाली, इस तरह एम सी वी सी टू है, और प्लेन के बाद एम पी वी बी थ्री हो जाएगा प्लस एम सी वी सी थ्री हो जाएगा। अच्छा इसमें हमें ये पता है कि बॉल सी जो है वो रेस्ट में है, इस वजह से ये जीरो हो जाएगी, बाकी की आप वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 और 32.2 आ जाएगी। वी बी टू की जगह हमने अभी वैल्यूज निकाल ली हैं, वी बी टू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है 12.86। ये मैंने जैसे बताया जीरो हो गया, ये अगेन 0.5 और 32.2 इंटू आ जाएगा एम बी वी बी थ्री प्लस एम सी की जगह 0.5 ओवर 32.2, और ये आ जाएगा वी सी थ्री। इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.86 इज इक्वल टू वी बी थ्री प्लस वी सी थ्री। और क्वेश्चन ऑफ कंस्टिट्यूशन से क्या आएगा, क्या जाएगा वी सी थ्री माइनस वी बी थ्री, इसको वगैरह ही लिख देते हैं, बी सी थ्री माइनस बी बी थ्री और डिवाइड आ जाएगा वी बी टू माइनस वी सी टू। अब वी सी टू कितना था, जीरो, ये आप जीरो पुट कर देंगे। चलो अगले स्टेप में हम पुट कर देते हैं, बी सी टू की जगह जीरो आना है, ये हमें पता है। इसकी जगह इसकी वैल्यू ये है 0.85, जब आप इसकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएंगे, ये दोनों नहीं पता, ये वैसे ही नीचे अलबत्ता पता है हमें, ये 12.86 है माइनस जीरो, अगेन ये से मल्टीप्लाई होके ये एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ वी बी थ्री, मेरे पास आ रहा है 0.964 फीट पर सेकेंड, और पी सी थ्री हमारे पास आ जाएगा 11.9 फीट पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15.67 हो गया है। अब इसे नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज 15.75, इसमें जी दी 0.5 kg बॉल इज फायर फ्रॉम द ट्यूब ए, मैस आ गया जी 0.5 kg है राइट। अब टू विद वेलोसिटी, इसकी इनिशियल यहाँ वेलोसिटी भी गिवन है वी, दैट इज 6 m/s, और ये एंगल कितने का बना रही है, 30 का गिवन है। इफ द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द बॉल एंड सरफेस इज 0.8, ई 0.8 है, डिटरमिन द हाइट एच हमने फाइंड करनी है आफ्टर इट बाउंसिंग ऑफ द सरफेस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एच हमने निकालना है, तो इसमें एच निकालने के लिए आपको यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी ये चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें ई गिवन है कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें ये आइडिया दे रहा है कि इसमें हमने ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, थोड़ा सा वो अप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हमने ये वेलोसिटी निकालनी है जो वर्टिकल है, क्योंकि इसमें एच पूछा है ना वर्टिकल, तो हमें सिर्फ वर्टिकल अलॉन्ग करना है, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस ही हम जस्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हमने जस्ट सॉल्व करना है, और इसमें आएगा क्या, इसमें जनाब
VDB is equal to ADS and for vertical ये हो जाएगा VDY ये सब्सक्रिप्ट में है और ये वैसे ही है और ये आपको अलॉन्ग वाई एक्सिस बता रहा है। वैल्यूज पुट कर दें आप -9.81 dy और ये वेलोसिटी की जो है इनिशियल वेलोसिटी है 6 sin 30। फाइनल हमें नहीं पता, वो आप निकाल सकते हैं। एट पॉइंट पी जो होगी वो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी पे एट पॉइंट बी। और शुरू में हाइट जो है इसकी है 2 और फाइनल हाइट 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वी बाई, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा वी वाई स्केयर बाई 2। इसकी आप लिमिट पुट करेंगे 6 sin 30 से वी वाई बी और ये आ जाएगा -9.81 इंटू दिस वन 0 -0.2 -2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वी बाई पी का स्क्वायर -6 sin 30 होल स्क्वायर और इस तमाम के नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -9.81 इंटू -2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वी वाई एट पी पॉइंट इज इक्वल टू 6.9455 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल बी इन डाउनवर्ड ट्रैक्शन। ठीक है, तो माइनस के साथ आएगी तो अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी तरफ हमने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। तो जब आप वो अप्लाई करते हैं तो ई हमारे पास इक्वल होता है, ये लगाना किसके दरमियान है। अब हम आए हैं बी पॉइंट तक, हमने लगाना है सी और बी के दरमियान। सॉरी, ये होगा बॉल और इसके दरमियान, बी के दरमियान, मतलब ग्राउंड और इस बॉल और ग्राउंड के दरमियान, यहाँ एट पॉइंट बी होगा क्योंकि यहाँ क्लियन हो रहा है। ये आ जाएगा वी माइनस जो इसकी बाद में वेलोसिटी हो जाएगी बॉल की, ये ग्राउंड की कह रहे हैं, वी ऑफ ग्राउंड वी जी इंटू वी ऑफ बॉल बल्कि इसको इसको यही रहने देते हैं ना, जो हमारे पास ये था वी वाई इसको नाम दे देते हैं, लेकिन इस वक्त ये अननोन है, डैश के साथ दे देते हैं वी वाई डैश, ये आफ्टर क्लीनिंग। और शुरू में क्या है जी, ये आफ्टर क्लीनिंग इनटू आप इसको कह दें, शुरू में वॉल की वेलोसिटी माइनस ग्राउंड की वेलोसिटी, शुरू में ग्राउंड की वेलोसिटी क्या थी, 0 ही रहेगी। ठीक है ना, तो वी जी वन, अब हमें पता ग्राउंड मूव नहीं कर सकता तो ये और ये तो होगी 0 क्लियर कर, तो बेसिकली इन दोनों की रेशो आ जाएगी तो 0.8 बेसिकली इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ दिस और माइनस ऑफ दिस वन और ये आ जाएगा वी वाई डैश। तो यहाँ से वी वाई डैश आप निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगा 5.5564 मीटर पर सेकेंड।
और ये प्लस आर एस का मतलब क्या है, अपवर्ड होगा। अब अगेन हमने इक्वेशन अप्लाई कर देनी है, हमने क्या निकालना है एच, जब हमें एच निकालना है तो अब पॉइंट बी और सी के दरमियान हम वी डी वी वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। चलो इधर कर देते हैं, अप्लाई वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वी डी बी इज इक्वल टू ए डी एस होता है, तो इस केस में ये सारा वाई के साथ हो जाएगा जैसे मैंने पहले किया था, तो इसको मैं डायरेक्ट वाई ही लिख देता हूँ और ये सबस्क्रिप्ट में वाई। तो इसकी जगह इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा वी वाई स्क्वेयर माइनस वी वाई। अच्छा ये किस किस के दरम्यान है, वी वाई बी और वी बाय सी के दरमियान, तो ये आ जाएगा वी बाई सी स्केयर माइनस वी बाई वी स्केयर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस 9.81 इंटू। और ये किस किस के दरमियान था, यहाँ इसकी हाइट है इनिशली 0 और बाद में हाइट हो जाती है h, ये बेसिकली h माइनस 0 ये आ जाएगा। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब फुल हाइट पे होता है तो उसको वेलोसिटी 0 होती है, 0 आ गया माइनस आ जाएगा ये वाली वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं कितनी है 6.9455 होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू -9.81 h। यहाँ से आप h निकाल लें तो h जो है वो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 1.57 मीटर। तो इस तरह आप ये गलत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट, 1583। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट है दी 10 पाउंड कॉलर, तो उसका वेट दे दिया है, मैस क्या हो जाएगा, कॉलर बी का मैस एम बी हो जाएगा 10/32.2। ठीक हो गया, ये सही सलग होता है यूनिट इसका। अच्छा जी कॉलर बी इज एट रेस्ट, तो वी बी कितनी इनिशियली कितनी है, 0 है वी बी 1। अच्छा जी एंड इन दी पोजिशन में स्प्रिंग, और यहाँ स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, स्प्रिंग की हाइट अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी है 3 फीट, और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है 20 पाउंड पर फीट, ये भी गिवन है। ठीक हो गया, अनदर 1 पाउंड कलर ए, तो एम ए 1/32.2 लग आ जाएगा इसका मैस। अच्छा जी स्ट्राइक बी, ये बी को स्ट्राइक करता है जब ये बी को स्ट्राइक करता है तो बी स्लाइड्स 4 फीट ऑन दिस मोथ, ये यहाँ 4 तक चला जाता, तो ये बेसिकली यहाँ चला जाएगा पॉइंट बी, जब ये 4 फीट यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, अगर ये 3 हो ये 4 हो, फीट है ये फीट, ये आ जाएगा 5 फीट। ठीक हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो स्ट्रेच लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी यहाँ, यानी स्ट्रेच कितना आएगा उसमें, स्ट्रेच आएगा 5 माइनस अनस्ट्रेच, यानी 2 फीट का स्ट्रेच लेंथ बनेगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी ये हो गया, बिफोर मोमेंटली स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले इसकी जस्ट जो है ना डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, वो वी ए 2 हो गया,
ये निकालना है। वी वन कितना है, मैंने आइडिया उसका। वी ए टू कितना, ये हमें निकालना है। अच्छा, वी बी वन पता है, वी बी टू कितना होगा वो भी अभी हमें नहीं पता। डिटरमिन लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो फोर्स निकाल दे, फोर्स निकालनी है बिटवीन ए एंड बी, एवरेज फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये अभी हमने निकालना है, ठीक है ना। ये फोर्स बेसिकली यही है, तो ये एवरेज फोर्स एफ वो अपने निकालनी है। अच्छा और क्या है, इफ द इम्पैक्ट अकर इन इससे मुतलिक, यानी मोमेंटरी इम्पल्स है, इससे मुतलिक बताया है। टाइम है 0.002 सेकेंड, इक्वेशन रेस्टिट्यूशन भी गिवन है, और वो कितना है, इज टू 0.5। ठीक हो गया। अब बात ये है कि जब हम यहाँ लगाएंगे क्या कहते हैं कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला, तो हमें इनिशियल वी ए वन भी तो चाहिए, वी ए टू भी चाहिए। वी ए वन तो अलबत्ता चाहिए ना, वो हम अलबत्ता निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। वी ए वन सॉरी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम जो निकाल सकते हैं वो बेसिक ए और बी के दरमियान लगाएंगे, हमें वी ए वन नहीं पता, वी बी टू भी नहीं पता, तो ये हम वर्क एनर्जी लगा के इनके दरमियान दो अननोन हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसका यहाँ जब ये जाती है, यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बी पे लगाएं जब ये यहाँ है और जब ये यहाँ आ जाती है, तो फिर इसके दरमियान क्या मतलब वो होगा, इनके दरमियान बता लगाते हैं आफ्टर इम्पैक्ट से लेके यहाँ तक जाने तक, इनके दरमियान हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद फॉर कॉलर बी ओनली, बी के दरमियान लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 से 3 पे जा रहे हैं, टी टू प्लस वी टू इज इक्वल टू आ जाएगा, उनके नाम दे देते हैं ना, कि शुरू में ये यहाँ है 1, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट 2, और यहाँ जाके 3, ये तीन कंडीशन होंगी इसकी। तो टी टू प्लस वी टू इज इक्वल टू टी थ्री प्लस वी थ्री। अच्छा, इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए हमें ग्रेविटेशन फोर्स वाला रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है जी। शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसकी कह रहा हूँ मैं, दिखा देता हूँ, इसकी बी की, बी की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट शुरू में तो 0 थी, लेकिन हम 2 ले रहे हैं जो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट वाली है, उस पर क्या होगी, लाजमी कुछ ना कुछ होगी, वो हो जाएगी हाफ एम, एम की जगह आ जाएगा 10/32.2, और इसे कहेंगे वी बी टू का स्केयर प्लस अनस्ट्रेच है, अनस्ट्रेच है तो उस वक्त स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। T3 पे यहाँ जाके, तो ये क्योंकि मोमेंटरी 0 हो जाती है इसकी वेलोसिटी, तो आप ये कहेंगे कि वेलोसिटी 0 हो गई, कैसे में भी है मोमेंटरी 0, तो इस वजह से V3 आ जाएगा हाफ के इंटू आ जाएगा ये वाला, ये डेल्टा एस का स्क्वायर, और डेल्टा एस हमने मैंने पहले बताया था कितना है, 5 - 3 = 2 फीट, तो ये जब ये 4 हो रहा है तो उस वक्त इसमें स्ट्रेचिंग जो हो रही है वो 2 फीट की हो रही है। वैल्यूज पुट कर लें आप, तो हाफ इंटू 10/32.2 वी बी टू का स्क्वायर, हाफ के की जगह के की वैल्यू जो के है 20,
पाउंड पर फीट इनटू डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना है, 2 का स्क्वायर, इसमें जस्ट वी बी अननोन है, वी बी 2 आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 16.05 फीट पर सेकंड। अच्छा जी, अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ जिस वक्त ये टकरा रहा है उस वक्त लॉफ अंदर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन स्टेट 1 एंड 2, तो समीशन ऑफ यह आ जाएगा एम ए 1 v1 प्लस एम बी वन स्टेट 1 है ना, v b1 इज इक्वल टू m a 2 v a 2 प्लस m b 2 v b 2। शुरू में वी ए हमें नहीं पता, मैसेज हमें पता है, मैसेज पुट कर दें, लेकिन हमें वी बी शुरू में जो बी है इस रेस्ट में है, ये बी रेस्ट में है, इसके रेस्ट में होने की वजह से ये वाली इक्वेशन ये जीरो हो जाएगी। अच्छा, बाकी जगह वैल्यूज आ जाएंगी, ये अलो था आप निकाल चुके हैं यहाँ 16.05, तो इसकी वैल्यूज आप पुट करते हैं, जिसको आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बेसिकली 1/32.2 va1 प्लस 0 जाएगा 10 और सॉरी 1 1 1 ma जो है ना 1 था, 1/32.2 va2 प्लस mb वो है 10/32.2 इंटू vb2। इसमें अगर आप देखें vb2 की जगह वैल्यू पुट कर दें, सो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह 16.05, ये जो भी हमने यहाँ निकाली थी वो हमने पुट कर दी, तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो आ जाएगी कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, और ये इन इनके स्टेट 1 और 2 के दरमियान हम अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा vb2 minus va2 over va1 minus vb1, और ये 0 था हमें पता था, va1 नहीं पता, ये नहीं पता, ये पता है, तो यहाँ हमें वैल्यू पुट कर दें इसकी जगह, तो जब आप वैल्यू पुट करते हैं ये आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू VB2, भी हमें पता है VB2 कितनी है 16.05, VA2 नहीं पता, VA1 नहीं पता, -0 भी पुट कर दिया, तो इसमें एक इक्वेशन ये बन गई, इसको ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें आप, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ रहा है VA1 इज इक्वल टू 117.7 फीट पर सेकंड, VA2 हमारे पास आ रहा है -42.8 फीट पर सेकंड। इसका मतलब डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, लेकिन लेफ्ट साइड पे है, राइट से जाए लेफ्ट साइड पे है, निचली हम राइट यानी ये राइट पे ले रहे हैं, टुवर्ड राइट इज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब इस लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, कैसे में क्या क्या पूछा था, वी ए टू आप निकाल चुके हैं। अच्छा, दूसरा हमने निकालना है एफ, एफ के लिए क्या करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम, इंपल्स मोमेंट को लगाएंगे तो यह आ जाएगा
एम वी वन प्लस समेशन इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू एम वी टू, ऐसी जगह वैल्यूज पुट कर लें। अब ये हम लगा किसके लिए रहे हैं, किसकी निकालनी है, फोर्स बिटवीन सॉरी अच्छा ए की बात कर रहे हैं तो ए की निकालनी है, जिसमें दी वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट एंड द एवरेज फोर्स एग्जिस्टेड बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग द इंपैक्ट, द इंपैक्ट इज, तो ये ए की बात हो रही है, कलर ए की। कलर ए के लिए हम कर रहे हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे आ जाएगा 1 और 32.2 इंटू वी वन, वी वन ए की कितनी थी 1117.7 माइनस एफ फोर्स कितनी है 0.002 सेकंड के लिए, ये है ना फ्रॉम 0 टू 0.002, इसलिए ये आएगा इज इक्वल टू एम 1/32.2 वी टू, इसी की वेलोसिटी वो कितनी निकली थी -42.8। इसमें से आप जब एफ कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगी 2492.2 पाउंड, और इसको अगर किलो पाउंड में लिखें KI किलो पी मीन पाउंड, ये आ जाएगा 2.49 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आप प्रश्न नंबर, तो ये आज है, थैंक यू।